क्या बात है यार, फाइनली फाइनली हम जीत गए हैं। और वीडियो उठा के देख लो, सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई हम ट्रॉफी जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है और फाइनली 13 साल का सूखा खत्म हो गया है जो हमने 2011 में धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई का। अब 2024 में रोहित शर्मा हिटमैन की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा है। क्या ही कोई टूर्नामेंट रहा है और क्या टीम परफॉर्मेंस रही है, स्टार्ट से पहले मैच से लेकर फाइनल के मैच में अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, पहली ऐसी टीम है जो बिना मैच हारे वर्ल्ड कप जीती है। जी हां गाइस, इंडिया ने यह भी एक रिकॉर्ड बना दिया। क्या टूर्नामेंट रहा है और सबसे बढ़िया टूर्नामेंट अगर मैं कहूं मेरी नजरों में जो रहा है वो है हार्दिक पांड्या का। भगवान गालियां जितनी मर्जी खिलाना, लेकिन अगर कमबैक दोगे तो हार्दिक पांड्या जैसा दिलाना। स्टार्ट से लेकर एंड तक टूर्नामेंट में जहां पे भी जरूरत पड़ी पांड्या ने खेला है, और पांड्या नहीं पूरी टीम की परफॉर्मेंस रही है। ये टीम डिजर्व करती थी। हम पिछले कम से कम 4 से 5 आईसीसी टूर्नामेंट में लास्ट तक जा रहे थे और किसी ना किसी की बुरी नजर की वजह से हम हार रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हारे भाई ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि जीत रहे हैं। और हाँ, मैंने अभी तक जो जो प्रिडिक्ट किया, चाहे ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो या फिर राजस्थान का विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, जिस जिस के साथ मैंने कैंपेनिंग करी है वो जीते, तो भाई का प्रिडिक्शन लेवल ही अलग है गाइस। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक एक प्लेयर इंडिविजुअली, रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में चले लेकिन फाइनल में नहीं चले, जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले विराट कोहली वो फाइनल में चले, और जो हर टूर्नामेंट हर चीज में हर विकेट बॉलिंग बैटिंग सब जगह पे ऑलराउंडर चल रहे थे, वो पूरा टीम परफॉर्मेंस था। इसको बोलते हैं टीम परफॉर्मेंस और इसको बोलते हैं स्किल। और भाई बुमराह, भाई क्या प्लेयर है ये, क्या करता क्या है ये, स्किल इतनी स्किल, मैं बोलता हूं इंडिया का अभी तक का सबसे बेस्ट बॉलर है भाई। इसकी जो जो औसत है, जो एवरेज है वो देखिए यार, T20 में 4.30, मतलब कि 4 की रन रेट से ये T20 में, जहां पे बॉलर पिटता है गंदा पिटता है, लेकिन 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से देता है। तो मतलब आप इंडिया की बैटिंग टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम अगर 200 रन बना देती है ना 20 ओवर में, तो अगली टीम के पास सिर्फ और सिर्फ 16 ओवर है वो बनाने, क्योंकि बुमराह के 4 ओवर निकाल दीजिए। बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग करती है, आपको उन 4 ओवर में आप किसी तरह से एक आधी बाउंड्री आपका कट वट लग के चली जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ बापू, भाई क्या टूर्नामेंट रहा है, स्टार्ट से एंड तक बापू ने जहां जहां टीम को लगा विकेट की जरूरत है विकेट, आज जब मैच फंस गया था, खैर अभी मैच की बात करेंगे, आज कैसे मैच हुआ। स्टार्ट देखा जाए तो इंडिया के फेवर में रहा, टॉस इंडिया ने जीता। जैसे ही रोहित शर्मा ने टॉस जीता, रोहित शर्मा ने कहा मैं बैटिंग करेंगे, लेकिन आज रोहित शर्मा चले नहीं। पहला ओवर बहुत बढ़िया गया, आई थिंक 15 रन के आसपास आए। दूसरे ओवर में 2 विकेट चली गई, रोहित शर्मा आउट हो गए और उसके साथ साथ पंत भी चले गए, जल्दी पंत आउट हो गए। लेकिन उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो भी एक आधा शॉट लगाते हैं और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। चौथे नंबर पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन के रूप में अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल और विराट कोहली। विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में अच्छे से नहीं चल रहे थे और पता नहीं क्यों वो घाई करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस मैच में भी स्टार्ट के 1-1.5 ओवर में उन्होंने ये करा, लेकिन उसके बाद उन्होंने विराट कोहली वाली इनिंग खेलने की कोशिश की, आराम से नॉक करने की कोशिश करी, एक एक रन 2-2 रन को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, जहां लूज बॉल मिल रही थी वहां बाउंड्री लगा रहे थे। और धीरे 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 टीम, आई थिंक 14वें ओवर में अक्षर पटेल का विकेट जाता है, वो भी रन आउट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, दुबे जिनको आईपीएल का प्लेयर कहा जा रहा था, उन्होंने क्या बैटिंग करी है इसमें, इस बार भी उन्होंने क्लीन हिट लगाई और अच्छे छक्के लगाए। कैमियो था, इतने ही रन की जरूरत थी, थोड़ा सा और रन बना सकते थे, लेकिन इतना बहुत था। ऐसे भी नहीं कह सकते कि उन्होंने गंदी बैटिंग करी, बहुत बढ़िया बैटिंग करी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे तैसे करके विराट कोहली ने जो लास्ट के 4 ओवरों में विराट कोहली ने जो बैटिंग करी है, जो पूरी टीम ने बैटिंग करी है, वो बहुत ही अमेजिंग बैटिंग रही है। जहां कमेंटेटर बोल रहे थे 180 बनना चाहिए, 176 भी बना, 176 बनने के बाद मैं बोल रहा हूं भाई सभी को है ना अंदर से लुप 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 तो हो रही थी। 2011 भी याद आ रहा था, उसके साथ साथ 2019 नवंबर भी याद आ रहा था, सब याद आ रहा था यार, जीत रहे हार रहे, जीत रहे हार रहे, लेकिन 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 बॉल और रन बराबर आ चुके थे। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या, मैंने वैसे ही कहा हार्दिक पांड्या भाई साहब क्या किस्मत लेके, पूरे आईपीएल में गाली दी है, इंक्लूडिंग मैंने भी गाली दी है, लेकिन इस बार भाई साहब
बॉल डालते हैं, क्लासेन आउट हो जाता है, पंत कैच पकड़ते हैं, उसके बाद वहां से गेम पलटता है, पलटी मारता है। उसके बाद आते हैं कंजूस बॉलर बुमराह, और बुमराह जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं पूरा मैच चेंज कर देते हैं। उसके बाद अक्षरदीप पटेल आते हैं, अक्षरदीप सिंह आते हैं और उन्होंने फिर अच्छी से बॉलिंग करते हैं और लास्ट के ओवर में 15 रन चाहिए थे। लेकिन यहां पे जो चोकर जो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है ना, वो उन्होंने प्रूव कर दिया। मैच यहां से साउथ अफ्रीका हारना नहीं चाहिए था। मैंने एक सेकंड के लिए तो मैंने सोच लिया था कि इंडिया हार चुका है मैच, अब कोई मतलब नहीं है, वही हमें अपने प्लेयर को बोलना पड़ेगा बहुत अच्छा बैटिंग करा, बहुत अच्छा बॉलिंग करा, अच्छा टूर्नामेंट था, आपका दिन नहीं था, बस यही प्रिपेयर कर रहा था मैं कि इस तरीके की वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमने अभी तक जो क्लोज मैच थे ना, जो मैच हमें लग रहा था कि वो जो दूसरी टीम जीत चुकी है, चाहे वो हमारे भिखारिस्तान के खिलाफ हो, उनके मैच भी देख लो या फिर ये मैच देख लो, भाई साहब हमने उनके मुंह से मैच छीने, जहां पे उन्होंने मैच ले लिए थे, जब क्लासेन और मिलर एक बार के लिए बैटिंग कर रहे थे, सबको लग गया था कि मैच खत्म है, वहां से हमने मुंह से निकाला कि भैया इधर लाओ, ये मैच हमारा है, हमारी इतनी जनता वहां पे इंडिया में वेट कर रही है, स्टेडियम में देखो हर जगह हर तरफ ब्लू ही ब्लू कलर है, तो हमें चाहिए ये मैच, और हमने उनके मुंह से मैच निकाला। सूर्य कुमार यादव भाई, हार्दिक पांड्या पहली बॉल डालते हैं 16 रन बचाने के लिए, पहली बॉल डालते हैं और थोड़ी सी वाइड साइड में होती है, और मतलब फुल टॉस बॉल होती है, उस पर मारते हैं सूर्य कुमार यादव आगे, भाई क्या कैच पकड़ते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम पहली ऐसी टीम है जिसमें ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग का अवार्ड मिलता है, एक मेडल दिया जाता है, और वो क्यों दिया जाता है, वो इस मैच में इस कैच ने प्रूव कर दिया कि हमने फील्डिंग का स्टैंडर्ड कहां पे सेट कर रखा है दूसरी टीम फिटनेस लेवल पे, और वहां कैच पकड़ते हैं, और वो कैच नहीं पूरा मैच होता है, और वो मैच भी नहीं, मैं तो कहता हूं ट्रॉफी होती है, जो 13 साल से जो सूखा था वो हमने खत्म कर दिया, और उसके बाद सभी प्लेयर जो इमोशनल होते हैं, प्लेयर्स के साथ साथ हमारी पूरी इंडिया जो यहां पे भारत में सभी लोग 12-1 बजे के आसपास मैच देख रहे थे, पूरा इंडिया इमोशनल हो जाता है, प्लेयर्स के चेहरे देखिए सभी प्लेयर रो रहे होते हैं। मैंने पहली बार मैंने सेलिब्रेशन करते देखा अपने राहुल द्रविड़ को, उनका लास्ट मैच था एज अ कोच, उसके बाद राहुल द्रविड़ कोच नहीं रहेंगे, कोई इंडियन क्रिकेट टीम का कोई और कोच आएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया है मन खुश हो गया। राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा लेजेंड प्लेयर जो अपनी कप्तानी में या अपने खेलते हुए कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, उन्होंने वर्ल्ड कप लास्ट में जब इंडियन क्रिकेट टीम को अलविदा कह रहे थे एज अ कोच, तो उन्होंने जो ट्रॉफी उठाई, विराट कोहली रो रहे थे बेसिकली, रोहित शर्मा रो रहे थे, हार्दिक पांड्या रो रहे थे, ऋषभ पंत रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, खुशी के आंसू थे। ये आंसू थे 19 नवंबर को जो हमने ऑलमोस्ट कप को उठा लिया था, हमारे हाथ से जो छीना गया था, उस चीजों को याद करके भाई साहब कोई बोल ही नहीं पा रहा था। अगर आप बात के मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान से पूछे या फिर किसी से, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, और पूरा इंडिया निशब्द था, क्या बैटिंग हुई है, क्या बॉलिंग हुई है, क्या टीम परफॉर्मेंस रही है, लव यू इंडिया, और ये वर्ल्ड कप हमारा है। ये रोहित शर्मा ने भी कह दिया कि भैया जो इंडिया जो अभी वेट कर रहा है ना, वो घर पे बैठ के, ये वर्ल्ड कप उनका है, ये वर्ल्ड कप हमारा है, हम फैन, एज अ फैन हमने जिस तरीके से इंडिया को सपोर्ट करा, एज अ फैन हमने जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक एक प्लेयर के लिए दुआएं की, इस दिन के लिए दुआएं की, भाई साहब ये कप हमारा था और 13 साल का सूखा खत्म हो गया है, क्या परफॉर्मेंस रही है। मैं तो कहता हूँ दो जो कंट्री है वो भी रो रही होगी, एक तो भिखारिस्तान और एक उनके बाजू में जो बांग्लादेश है, इनको अभी भी ये लगेगा चीटिंग हुई है, आईसीसी ने, ये बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को पैसे दिए, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिए, इसलिए आ रहे हैं। भाई साहब आ गया, हमारे पास ट्रॉफी आ गई है, हमने ट्रॉफी जीत ली है, इंडिया पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके पास दो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, 50 ओवर्स की, और दो T20 की ट्रॉफी है, तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे। इंडियन टीम लव यू, और तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्ट किया था, जाके वो वीडियो भी देख लेना, मैंने पूरी बकायदा कंपैरिजन की थी ऑलराउंडर का, विकेट कीपर का, ओपनिंग बैट्समैन का, और हम वर्ल्ड कप जीत चुके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।